अब ये पत्थर जैसी, ये है काला नमक, बहुत ही भारी यार गाइस। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मेरे डेली व्लॉगिंग का 25वां दिन, सुबह के 8:30 बज चुके हैं और मैंने अपनी दुकान भी खोल ली है। और आज का हमारा काम है, ये सारी ईंटें देख रहे हो ना, ये सभी हमारी है, लेकिन ये सरकारी जगह पर पड़ी है, तो इन सबको हमारे घर के अंदर लेके जाने का है। तो चलिए फटाफट से काम पर लगते हैं। तो चलिए गाइस, फटाफट से इन सभी ईंटों को एक के ऊपर एक रखते हैं। ये तो दूसरी, इसके नीचे बिच्छू निकलते हैं यार कभी कभी, बहुत दिनों से ईंट रखने के बाद। ये रही आठवीं, हमें इस ईंटों को रखना है यहाँ पर, हमारे घर के पीछे वाली साइड में। कुछ इस तरह, चलिए फटाफट से और भी लाते हैं। थोड़ा सा सांस फूलने लगी यार, बहुत ही दूर है ना ये, बहुत ही भारी यार गाइस। चलो कोई ना, ये देखो अभी मैंने इतनी सारी ईंटों को अंदर लाया है घर के, और इनको घर में लाते लाते मेरी हालत कुछ ऐसी हो गई, पूरा पसीने से भीग गया यार। लेकिन चलो कोई ना, ईंटों को भी उठाना ज़रूरी है। गाइस ये देखो, इधर वाला जो ढेर था ना ईंटों का, वो तो मैंने घर के अंदर डाल दिया, लेकिन अभी नीचे की ईंटें मुझे थोड़ी सी संभल कर निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इसके नीचे बिच्छू होते हैं यार। यार सुबह से लगा पड़ो, 2 घंटे हो गए लेकिन ईंटें कहीं ख़त्म नहीं हो रही। तो गाइस अभी सिर्फ इतनी सी ईंटें बाकी है, ये वाला ढेर भी पूरा हो चुका है, ये वाला भी, लेकिन इसके नीचे है ना बिच्छू होने के चांसेस रहती है। देखो इसके नीचे, ये देखो ये अंडे देख रहे हो, छिपकली के अंडे, और बहुत सारी चीज़ें होती है इसके नीचे, कीड़े, इसलिए मुझे इसको संभाल कर निकालना पड़ेगा। वैसे बड़ी वाली ईंटें तो ख़त्म हो गई, इसलिए मैं इस टब के अंदर ये टुकड़े टुकड़े भर रहा था कुछ इस तरीके से। तो चले गए, मैंने यहाँ की सारी ईंटों को घर के अंदर डाल दिया है, और इन ईंटों को उठाते उठाते मेरे हाथ बहुत ही दर्द करने लगे, तो मैंने नहा तो लिया है। तो चलिए अब दुकान के कुछ कुछ काम करते हैं। वैसे अभी अभी एक होलसेल वाले भैया आते हैं, जिनसे कि थोड़ा बहुत सामान खरीद लिया है, और कल मैंने जो सामान लाया था उसमें से एक बोरी के अंदर से सामान निकालना भी बाकी है। 3 चौक ओवर का, 1 2 3, 1 2, हाँ ये लो 4, ये वाले चाय के कप निकालते इन्हें बाहर, और फिर मैंने लाया था ये केचप, टोमेटो केचप जो होता है ना वो वाला, तो कुछ इस तरीके का केचप आता है इसमें, 15 रुपये बिक्री का। सबसे पहले तो मैं बोरी के अंदर की सारी चीज़ों को बाहर निकाल लेता हूँ, और फिर देखते हैं इन्हें कहाँ पर लगाना है। तो गाइज ये देखो, कल मैंने मार्केट से इतना सारा सामान लाया था, तो चलिए फटाफट से इन सभी को उनकी उनकी सही जगह पर रख देते हैं। मैंने कुछ ये पेन के पैकेट लाए थे, स्कूल तो बंद होने वाले लेकिन अभी एग्जाम चल रहे हैं ना, तो पेन की डिमांड आ रही है थोड़ी बहुत, इसलिए थोड़े बहुत ही, नहीं तो मैं एक साथ 50 या फिर 100 ही पैकेट लाता हूँ। ये बिंदी के पैकेट लाए छोटी वाली, ये वाला बिंदी का पैकेट पूरा खाली हो चुका था। ये कुछ फेविकॉल की डब्बियाँ, और फिर इसके अंदर टेप है। अब ये पत्थर जैसी चीज़, ये है काला नमक, वैसे दिखने में एकदम पत्थर है लेकिन ये काला नमक है, और फिर बहुत सारी चीज़ें यार। तो चलिए फटाफट से इनको इनके सही जगह पर लगाते हैं। सबसे पहले तो ये चाय के ग्लास, तो इनके लिए मैंने यहाँ पर एक स्पेशल एरिया बना के रखा है यहाँ पर। तो चलिए हमारा ये काम तो पूरा हो चुका है, अब रखते हैं इन नमकीन के पैकेटों को यहाँ पर। नमकीन के पैकेट भी यहाँ पर लग चुके हैं, अब इन्हें चूहे नहीं खाए गए। अब लगाते हैं इन साबुन को, तो इन सभी टूथपेस्ट को लगाते हैं टूथपेस्ट वाले सेक्शन में यहाँ पर। तो चले गए, मैंने टूथपेस्ट तो यहाँ पर लगा दिया है, ये देखो अभी टूथपेस्ट वाला सेक्शन बहुत ही बढ़िया लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर वाला सेक्शन, तेल की बोतल यहाँ पर खत्म हो चुकी थी 10 वाली, तो इसका भी मैंने एक बॉक्स लाया था ये देखो। तो चले फटाफट से इसके अंदर की सारी बोतलों को यहाँ पर लगा देते है। तो चले गए, ऑयल की बोतलों का सेक्शन भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है अभी, ये देखो पेस्ट वाला सेक्शन, उसके ऊपर 10 वाली और 20 वाली पेस्ट, और उसके ऊपर सारी ऑयल की बोतलें। अब ये वाला सेक्शन भी दिखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। चलिए अब रखते हैं इन चाय पत्ती के पैकेटों को, रखा मैंने इस बॉक्स के अंदर है पीवीसी टेप, जो वायर को चिपकाते ना सादा वाला, वो वाला है इसमें। तो चलिए इस बॉक्स को रखते हैं इसकी सही जगह पर यहाँ पर। पिछले वाला जो सेक्शन है ना वो भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये धागा लाया था दोस्तों मैंने ब्लैक वाला, वैसे तो मेरे पास इसके 2 बॉक्सेस पड़े हुए, ये देखो इसके अंदर ये व्हाइट कलर और इसके अंदर ये मिक्स कलर सारे के सारे, लेकिन मैंने ये ब्लैक कलर लाया, लेकिन ब्लैक वाला धागा कम ही यूज़ होता है, इसलिए मैंने इसके लगभग 1 डजन ही लेके आया। तो चलिए फटाफट से इन सभी धागों को इसमें लगा देते हैं। इसको भी करो बंद,
ये दूसरा वाला, ये जो बिंदी के पैकेट है ना यहाँ पर लगाते हैं, और ये जो अचार का पैकेट लाया था मैंने रामबंधु अचार, तो इसको लगाते हैं यहाँ पर। अब दिख रहा है ना यहाँ से बढ़िया। अब लगाते हैं इन अचार के पैकेटों को यहाँ पर। आजकल ये चीजें सामने की तरफ रखनी पड़ती है, यानी कि जैसे कि ये अचार हो गया, ये पापड़ का मसाला हो गया, क्योंकि धूप काले के सीजन में ये चीजें ज्यादा बिकती है। अब लग रहा है एकदम बड़ी। तो मैंने ये कुछ व्हाइटनर लाए थे, मतलब कि करेक्शन पेन, हमारे यहाँ इसे व्हाइटनर कहते हैं। तो चलिए फटाफट से इनको भी इसके सेक्शन में लगा देता हूँ। तो इनके लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा डब्बा बना के रखा है, तो इसमें रखते हैं इनको, रखता हूँ, क्योंकि ये बारीक बारीक चीज है ना इधर उधर घूम जाती है, इसीलिए इसके लिए मैंने स्पेशल सेक्शन बना के रखा है एक छोटा सा। और यहाँ पर रखने मुझे टोमेटो केचप, किधर गया वो, हाँ ये रहा टोमेटो केचप छोटा बीन वाला। तो चलिए फटाफट से इसको भी रखते हैं यहाँ पर। और अब ये आखिरी वाला यहाँ पर। चलिए गाइस, हमारा ये वाला काम भी पूरा हो चुका है। अब यहाँ से ये कस्टमर को आसानी से दिख सकता है। तो ये मैंने कुछ मेहंदी के पैकेट लाए थे, तो चलिए फटाफट से इनको भी डाल देते हैं। चलिए इन मेहंदी के पैकेटों को यहाँ पर लगाते हैं ऊपर। बेसिकली यहाँ पर हेयर प्रोडक्ट्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स है गाइज। अब रहेगा ये वैसलिन का बॉडी लोशन, तो इसको लगाना है मुझे यहाँ पर। ये रही दूसरी वाली, ये तीसरी वाली। अब देखो गाइज, ये वाला सेक्शन भी कुछ ऐसा तरीके से दिख रहा है। तो गाइज अभी रात के 10:30 बज चुके हैं और मुझे भी बहुत ही जोरों की नींद आ रही है, क्योंकि सुबह से वो ईटे बाहर आता है, जिस कारण पूरा शरीर थोड़ा सा थक गया है। वैसे अभी दुकान कुछ ऐसी दिख रही है। वैसे फ्रेंड्स, आज था मेरे मनी सेविंग चैलेंज का 10वां दिन, और आज के दिन मेरी दुकान में सेलिंग 3600 रुपए की, जिसमें 1000 रुपए तो मैंने अपने गुल्लक में डाल दिए, और बाकी के पैसे तो दुकान का सामान लाने में खर्च हो जाएंगे। तो चले गाइज, आज के ब्लॉग में इतना ही। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।